नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में बिजली चोरी की समस्या को खत्म करने के लिए ही बिहार के नीतीश सरकार बिहार भर में घर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में अब तक कई घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम भी हो गया है। वहीं जिन घरों में नहीं हुआ है वहां भी जल्द ही उम्मीद है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम किया जाएगा। ऐसे में अगर आपके भी घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है और जरूरी भी है, क्योंकि स्मार्ट प्रीपेड वालों को बिजली के बिल का ऐप के माध्यम से उन्हें उससे अवगत करवाया जाता है। ऐसे में अगर आपके पास भी बीते कुछ समय से आपका बिजली बिल नहीं आ रहा है तो संभल जाए और बिजली का इस्तेमाल सोच समझ कर करे, क्योंकि बिजली कंपनी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि तकनीकी कारणों से खर्च होने वाली बिजली का आकलन नहीं हो पा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बिल राशि की जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण ही कई महीनों बाद अचानक से उपभोक्ताओं को बिल थमा दिया जा रहा है, जिसे आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अचानक से एक बार में बिजली बिल की बड़ी राशि बकाए में दर्ज हो जा रही है और उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा रही है। बिजली कंपनी के महाप्रबंधक राजस्व अरविंद कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि अपने घर के मासिक बजट में बिजली बिल की राशि को शामिल किया जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिजली कंपनी शहरी क्षेत्रों में प्रीपेड मीटर लगाने के अभियान को शुरू कर चुकी है। कंपनी की यही कोशिश है कि जल्द ही शहरी उपभोक्ताओं के घर पर यह मीटर लगाने का काम कर दिया जाए। बिजली कंपनी के महाप्रबंधक की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर और उपभोक्ताओं को कई तरह की सुविधाएं देने का काम कर रही है। ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने पर स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं को 3% और साधारण मीटर और उपभोक्ताओं को 2.5% की छूट देने का काम हो रहा है। यानी कि अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को लोड बढ़ाने पर जमानत राशि नहीं देनी पड़ती है। बकाए पर बिजली संबंध विच्छेद होने पर केवल बकाया राशि देय होती है। इसके साथ ही स्मार्ट प्रीपेड आने से आम लोगों को भी काफी सहूलियत तो हुई है और बिजली विभाग को होने वाले आर्थिक नुकसान से भी काफी निजात मिला है, क्योंकि बिजली की चोरी करने वाले धुरंधर नए नए अंदाज से बिजली विभाग के नाक के नीचे से बिजली चोरी करने का काम करते हैं। हालांकि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली विभाग के राजस्व में जरूर बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि बिजली विभाग की इस नई पहल के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों के बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काटने की सूचना SMS के माध्यम से दी जाती है। बकाया राशि जमा करने पर खुद ही बिजली की आपूर्ति बहाल हो जाती है। अमूमन बिजली कार्य दिवस के मौके पर दिन में 10 बजे से 1 बजे के बीच कटती है। घर बंद रहने की स्थिति में भी मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर बिल उपलब्ध हो जाता है, जिससे ही बिजली बिल जमा नहीं करने से बिजली विभाग को होने वाले नुकसान से काफी हद तक अब राहत मिली है। आपके अनुसार बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने जाने के बाद से बिहार में बिजली की समस्या खत्म हुई है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।